तो वेलकम टू क्रेग जीके ट्रिक्स। क्रेग जीके ट्रिक्स में आप लोगों का स्वागत है। और क्रेग जीके ट्रिक्स के इस वीडियो में आज तारीख है 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर से बनने वाली जितनी भी करंट अफेयर्स है वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होगा मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा हर क्वेश्चन में। आप इस वीडियो को पूरा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों से दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। उसके आंसर अगर आपको आते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, अगर आपको आंसर नहीं आते तो दूसरों के आंसर देख करके टाइप कीजिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप वो आंसर टाइप करोगे ना तो उसके आंसर आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्रेग जी के ट्रिक्स पे शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, एक नंबर क्वेश्चन जो आपको एक नंबर दिला के ही मानेगा। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैक्सिको की वनेसा ने। तो अभी हाल ही में चाइना के सानिया शहर में मिस वर्ल्ड 2018 की घोषणा कर दी गई है। तो इस साल मिस वर्ल्ड 2018 मैक्सिको की वनेसा पॉन्स डी लियोन को चुना गया है। और अगर बात करें फर्स्ट रनर अप कौन रही है तो थाईलैंड की निकोलिन, और भारत की जो अनुकृति है वो टॉप 30 में उसने अपनी जगह बनाई है। अच्छा, तो क्या आपको पता है मिस वर्ल्ड 2017 कौन थी? तो आंसर होगा भारत की मानुषी चिल्लर। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ग्लिंका वर्ल्ड साइल प्राइज 2018 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रतनलाल। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार ये सम्मान किससे संबंधित है और रतन लाल को ये अवार्ड क्यों मिला है? तो देखो, जो ये ग्लिंका वर्ल्ड साइल प्राइज है इसको मृदा विज्ञान क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अच्छा, तो ये रतन लाल जी को सम्मान क्यों मिला है? तो रतन लाल जी के स्थायी मिट्टी प्रबंधन और मिट्टी संसाधनों की सुरक्षा में उनके जो उत्कृष्ट योगदान रहे हैं उसके लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। अच्छा, तो ये जो सम्मान है हमने कहा मिट्टी से संबंधित है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 5 दिसंबर को, यानी कि अभी मनाया गया होगा क्योंकि दिसंबर ही तो चल रहा है। तो आप मुझे बताएं इस बार के विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी? तो आंसर होगा बी, द सॉइल टू सॉइल प्रोल्यूशन। तो इस प्रश्न से आपको याद क्या रखना है, रतन लाल जी का नाम जिन्हें मिला है ग्लिंका वर्ल्ड साइल प्राइज 2018। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां दूसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकोप फैला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कांगो। तो अभी हाल ही में इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकोप पूर्वी कांगो के शहर बुटेम्बो में फैल गया है। अच्छा, तो याद रखना ये दूसरी बार है जब इबोला फिर से अपना खतरनाक रूप लेकर के आ रहा है। इससे पहले इबोला कहां फैला था? तो पश्चिमी अफ्रीका में। अब कांगो में इबोला फैल रहा है तो कांगो के बारे में जानना जरूरी है। तो कांगो को आप मैप पे देखिए, ये रहा कांगो। कैपिटल क्या है? किनशासा। करेंसी क्या है? कंगोलीज फ्रैंक। तो इस प्रश्न से आपको नाम याद रखना है कांगो का। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2017 में भारत द्वारा दिए गए पेटेंट की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 50% की। तो अभी हाल ही में WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2018 की रिपोर्ट जारी की है, और जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 में भारत द्वारा दिए गए पेटेंट की संख्या में 50% तक की वृद्धि हुई है। अच्छा, तो आपको बता दूं जो चीन की पेटेंट अथॉरिटी है उसने बताया है कि पेटेंट की सबसे बड़ी संख्या दी है चाइना ने, उसके बाद यूएसए ने। अच्छा, तो यहां से एक मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है वो प्रश्न? पेटेंट अधिकतम कितनी अवधि के लिए होता है? तो आंसर होगा 20 साल के लिए, क्योंकि वो ऑप्शन में 25 साल भी देता है, 22 साल भी देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है 20 साल। अब देखो, मैं आपको पेटेंट का मतलब बताता हूं, अगर किसी को पेटेंट का मतलब नहीं पता तो बिल्कुल शॉर्ट में मैं समझाता हूं। ये पेटेंट क्या होता है? कानूनी अधिकार है। मतलब आपने कुछ नया इनोवेटिव डिजाइन किया है, बनाया है, और आपने उस पर क्या करा लिया? पेटेंट करा लिया। तो वो वस्तु जो आपने डिजाइन की है, वो इनोवेटिव आइडिया जिस पे आपने पेटेंट लगाया है, उस पे केवल आप ही का अधिकार होगा। मतलब अगर कल से किसी ने आपकी जैसी नकल करके वो चीज बना भी ली तो आप उस पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। एक तरह से आपका उस पे कॉपीराइट हो गया। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी हम देते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कब भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी दिवस मनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8 दिसंबर को। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने 8 दिसंबर को पनडुब्बी दिवस मनाया है। अच्छा, तो 8 दिसंबर को पनडुब्बी दिवस यानी कि सबमरीन डे मनाया क्यों जाता है? तो हमारी पहली पनडुब्बी थी INS कलवरी। तो 1967 में INS कलवरी को नौसेना में शामिल होने के जश्न में 8 दिसंबर को सबमरीन डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आ गया हमारा इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन। तो तैयार है आप लोग?
मेरे साथ बोलना, रिवाइज करने वाले हैं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और उसी दिन BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस भी। और मैंने हमेशा बताया जब भी बात होगी विश्व एड्स दिवस की उसकी थीम आपको बोलनी है, क्या थी? नो यूअर स्टेटस। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे और उसी दिन हमने नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे भी मनाया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और उसी दिन इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे मनाया। और विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे की थीम क्या थी? बी द सॉइल टू सॉइल पॉल्यूशन। 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे और उसी दिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। और अब 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने मनाया पनडुब्बी दिवस। अच्छा, तो इसी तरह से अगर आप में डेली क्रेक जीके ट्रिक्स के वीडियो देखने की आदत डल गई और डेली अगर हमारे साथ बोल रहे हो तो आप देखना किसी भी एग्जाम के लिए आपको करंट अफेयर्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा का सारा टाइम आपका होगा। आप जिस भी सब्जेक्ट को स्ट्रांग करने में देना चाहो वो दे सकते हो क्योंकि करंट अफेयर्स तो आपका वैसे स्ट्रांग हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एरो इंडिया का किसके साथ विलय होगा? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विमानन एक्सपो के साथ। विलय मतलब क्या हो गया? मर्ज। ठीक है, तो ये न्यूज है क्या? ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको आपको समझाता हूँ और यहाँ से हम एक आध प्रश्न और क्लियर करते हैं। तो देखो, एशिया की सबसे बड़ी विमानन प्रदर्शनी यानी कि एविएशन एग्जीबिशन है एरो इंडिया, जो 2019 में 20 से 24 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित होगी। तो यहाँ से देखो एक प्रश्न तो वैसे क्लियर हो गया कि एरो इंडिया जो 2019 में होगी वो कब और कहाँ होगी, तो फरवरी में होगी बेंगलुरु में। और इस प्रदर्शनी का नाम क्या होगा? एरो इंडिया 2019। मैं आपको बता दूं ये डिफेंस से रिलेटेड है, मतलब डिफेंस से जुड़े हुए लोग हेलीकॉप्टर जेट वगैरह इसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा एक और होती है नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी, सिविल एविएशन एग्जीबिशन, और वो कहाँ पे होती है? वो हैदराबाद में होती है। पर अब क्या हो रहा है, इन दोनों का आपस में हो गया है विलय। तो दोनों इस बार एक साथ मिलकर के अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। एरो इंडिया 2019 में कब होगी? 20 से 24 फरवरी को। कहाँ पे होगी? बेंगलुरु में होगी। और एरो इंडिया 2019 की इस बार की टैगलाइन भी रहेगी, वो टैगलाइन क्या रहेगी? रनवे फॉर अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो इस प्रश्न से आपको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार किस देश में सर्वाधिक लिंग मजदूरी अंतर है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंडिया में। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018-19 और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में बहुत कम मजदूरी यानी कि वेतन मिलता है। लगभग आप समझें, अगर पुरुष को 100 रुपये मिल रहे हैं ना, तो उसी काम के महिला को 66 रुपये मिलेंगे यानी कि 34% कम भुगतान किया जाता है भारत में इस रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं। और ये जो डिफरेंस आया है ना, 100 रुपए मिल रहे पुरुष को और महिला को मिल रहे 66, तो डिफरेंस कितने का आया? 34 रुपीज का, या 34% आप कहते हैं। इस डिफरेंस को ही कहते हैं लिंग मजदूरी अंतर यानी कि जेंडर वेज गैप। तो इस प्रश्न से आपको याद क्या रखना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018-19 और उसके अनुसार भारत में सबसे कम वेतन दिया जाता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं को, और लगभग कितना कम? 34% कम। अच्छा, यहाँ पे बात हुई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो क्या आपको पता है इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 मई को। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी सड़क सुरक्षा रिपोर्ट में 2016 में यातायात संबंधी मौतें कितनी रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1.35 मिलियन। तो अभी हाल ही में WHO ने सड़क सुरक्षा पर 2018 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2016 में यातायात से संबंधित जो मौतें हुई है उनकी संख्या कितनी रही? 1.35 मिलियन। और देश के हिसाब से बात करें तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। अब ये रिपोर्ट जारी की है WHO ने, तो WHO के बारे में जानते हैं। WHO की फुल फॉर्म हमने क्या बताई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 को और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड की बात करेंगे तो कौन है? टेड्रोस अदानोम। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप लेना और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2035 की अवधि में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूरत। तो अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूरत 2019 से 2035 की अवधि में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर होगा। अच्छा, इस रिपोर्ट में तो यहाँ तक ये भी कहा गया है कि 2019 से 2035 में दुनिया के टॉप 10 सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहर भारत से ही होंगे। तो उनमें से एक तो हमने कहा सूरत होगा, और बाकी 9 कौन से होंगे? आगरा हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, नागपुर हो गया, तिरुपुर हो गया, राजकोट हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गया, चेन्नई हो गया और विजयवाड़ा हो गया। अच्छा, तो इस रिपोर्ट को लिखा किसने है? तो अर्थशास्त्री रिचर्ड हॉल्ट ने। तो इस प्रश्न से इतनी
इतनी जानकारी लेते हैं और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शुभंकर शर्मा ने। तो अभी हाल ही में भारतीय गोल्फ खिलाड़ी शुभंकर शर्मा 8 दिसंबर को एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। वो कम उम्र के भारतीय तो बने ही है, साथ में वो 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ये वाला खिताब जीता है। इनके पहले 4 कौन थे? तो देखो उनका नाम जाता है इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 2002 में जीता था ज्योति रंधावा ने, 2003 में जीता था अर्जुन अटवाल ने, और उसके बाद जीव मिल्खा सिंह ने दो बार जीता था, 2006 में और 2008 में। उसके बाद अनिरुद्ध लाहिरी ने 2015 ने, और अब 2018 में शुभंकर शर्मा ने। तो आप देख सकते हैं कि जीव मिल्खा सिंह, मैंने आपको बताया कि दो बार मेरिट सम्मान जीतने वाले एकमात्र गोल्फ खिलाड़ी है। तो इस प्रश्न से आपको अभी क्या याद रखना है? शुभंकर शर्मा का नाम, जिन्होंने जीत लिया है एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट का खिताब। और यह भी याद रखना है कि शुभंकर शर्मा किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ प्लेयर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सैन्य साहित्य समारोह कहां पर शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में। तो अभी हाल ही में 7 दिसंबर से सैन्य साहित्य समारोह यानी कि मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल चंडीगढ़ में शुरू हो गया है, जो 3 दिनों तक चलेगा। अच्छा, तो ये समारोह शुरू क्यों हुआ है, इससे होगा क्या? तो युवा पीढ़ी को भारत की गौरवशाली सेना विरासत से परिचित कराने के लिए ये सैन्य साहित्य समारोह मनाया जा रहा है चंडीगढ़ में। और ये उत्सव जो है वो सैन्य इतिहासकार और पंजाब के सीएम और गवर्नर के संयुक्त पहल है। अब पंजाब का नया आया है, तो पंजाब को आप मैप में देखिए, ये रहा पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है कप्तान अमरिंदर सिंह, गवर्नर है वीपी सिंह बदनोर। अब एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ पंजाब से, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, और यह है पंजाब में। ये सतलुज नदी पे बनी हुई है, भाकड़ा नांगल बांध पे। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में GCF यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड ने किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाबार्ड के साथ। तो अभी हाल ही में नाबार्ड और GCF यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये समझौता किस चीज को लेकर है? तो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर रूफटॉप एनर्जी परियोजना में $100 मिलियन के लिए एक समझौता किया गया है। अच्छा, तो अब नाबार्ड यहाँ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। नाबार्ड की फुल फॉर्म आप पहले देखें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 को, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके चेयरपर्सन कौन है? हर्ष कुमार भनवाला। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है GCF और नाबार्ड में समझौता हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में IIT मंडी के किस प्रोफेसर को जीव प्रौद्योगिकीविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रजनीश गिरी। तो अभी हाल ही में IIT मंडी, अब ये कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो IIT मंडी के प्रोफेसर रजनीश गिरी को IYPA यानी कि अभिनव युवा प्रौद्योगिकीविद पुरस्कार यानी कि इनोवेटिव यंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब उन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया है? तो जीका वायरस कैप्सिड फोल्डिंग एन इनहिबिटर खोज पर उनके प्रस्तावित इनोवेटिव आइडिया के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो इस प्रश्न से आपको नाम याद रखना है रजनीश गिरी का। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चाइना ने चंद्रमा की दूसरी तरफ की सतह पर लैंडिंग करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चांग E4। तो अभी हाल ही में चाइना ने चंद्रमा की दूसरी ओर यानी कि उसकी दूसरी साइड की सतह पर लैंड करने के लिए Mark 3B रॉकेट के जरिए चांग E4 को लॉन्च किया है, और इस तरह से इस मिशन को शुरू करने वाला चाइना पहला देश भी बन गया है। अब चाइना ने मिशन को शुरू किया है, तो चाइना को आप मैप पे देखिए, ये रहा चाइना। कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, और प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अब देखो, जब भी चाइना की बात आती है तो मैं आपको हर बार बताता हूँ, हेडक्वार्टर ऑफ AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ पर है? बीजिंग में है, जो कि अभी SBI क्लर्क 2018 में पूछा गया। उसके अलावा मैकमोहन लाइन यानी कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो आंसर क्या होगा? इंडिया और चाइना। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर रेखा है उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। उसी तरह से भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर रेखा है उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत चाइना को दो चीजें मुख्य रूप से सप्लाई करता है, या यूं कह सकते हैं कि चाइना भारत से दो मुख्य रूप से चीजें आयात करता है, इंपोर्ट करता है, गर्म बासमती चावल और कच्ची चीनी, जिसमें कच्ची चीनी तो अभी थोड़े दिन पहले से ही है आयात करना चालू करा है इसने भारत से। अगर मैं आपसे पूछूं किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है, तो फिर आंसर क्या होगा? चाइना होगा। और वर्ल्ड पॉपुलेशन 2018 के अनुसार फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन के मामले में चाइना है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे USA है, और फोर्थ पे इंडोनेशिया है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की एरिया की दृष्टि से बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे रशिया है, सेकंड पे कनाडा है, थ्री पे यहां पे भी USA है, फोर्थ पे चाइना है। भारत कितने नंबर पे होगा? 7वें नंबर पे है। तो इस प्रश्न से आपको नाम याद रखना है चांग E4 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा ज्वार दिवस यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने की स्वीकृति मिल गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2023 को। तो अभी हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा ज्वार दिवस के रूप में मनाने की भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी रोम में FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 160वें सत्र में यह फैसला लिया गया है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 2020 और 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कार्यकारी बोर्ड में भारत की सदस्यता को मंजूरी यानी कि स्वीकृति मिल गई है। तो इस प्रश्न से आपको याद क्या रखना है, 2023 को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा ज्वार दिवस के रूप में। अच्छा, तो अब हम लास्ट वीडियो के प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में सरकार ने स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी 254। अगला प्रश्न था, हाल ही में स्टैनली का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी कॉमिक राइटर थे। तो आप सभी लोगों ने दोनों प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं और अच्छी बात यह है कि आपने इसके आंसर लिख करके दिए हैं, ये बहुत काबिले तारीफ है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से कहूंगा, अगर आपको क्वेश्चन के बारे में जितना आता हो आप उसके बारे में उतना लिखें, क्योंकि जितना आप लिखेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाएगा। फैसला आपके ऊपर है, आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो या फिर थोड़े समय तक। अब बात करते हैं आज के वीडियो के किचके प्रश्नों के। उससे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हम हर वीडियो के लास्ट में दो क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन होता है पिछले दिन का और दूसरा प्रश्न होता है पिछले 30 दिनों में से कहीं से भी मैं रेंडमली पूछता हूं। ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि हमें साथ में ये भी तो चेक करना है कहीं हम पीछे का तो भूलते नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में तो 5-6 महीने का आने वाला है। मैं तो फिर भी 30 दिनों के अंदर अंदर का कोई भी एक प्रश्न पूछूंगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे नए मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस ये रहे, कमेंट बॉक्स वो रहा, सही आंसर को फटाफट वहां पे लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में एपेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स वो रहा, आंसर वहां पे लिख दीजिए। अगर इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप जानते हैं तो वो भी आप लिख दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करिए और पास में जो बेल आइकन आएगा उसे भी आप दबा लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा। अगर आपको ये क्रैक जीके ट्रिक चैनल पसंद आया है, मैंने जो भी थोड़े बहुत वीडियोज डाले हैं वो अगर आपको पसंद आए, मेरी मेहनत मेरा काम पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ऐसा करने से आप मुझे प्रोत्साहित करेंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे ऐसे और या इससे भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। आप इसे शेयर जरूर करिएगा, आप डेली अपने फ्रेंड्स को एक कम से कम एक फ्रेंड्स ग्रुप में FB पे WhatsApp पे से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग करेक्ट जीके ट्रिक्स।